तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, हमारे सिलेबस में चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। नंबर वन इज़ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, नंबर टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। इन चारों प्रॉपर्टीज़ में से जो सबसे ज़्यादा दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं दैट आर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्वेश्चन बाकियों में से भी पूछे जाते हैं, बट जो सबसे ज़्यादा करना है हमें सिलेबस वो इनका करना है, ठीक है। इसमें एक दो डेरिवेशन ज़्यादा करने हैं बाकी दो प्रॉपर्टीज़ के कंपैरिजन में, ठीक है। तो नंबर वन जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो हम पहले कर चुके हैं उसका डेरिवेशन, ठीक है। उसका जो एंड डेरिवेशन आया था वो क्या आया था, पी नॉट माइनस, ये मैं रिपीट नहीं करा रही, ये हम पहले कर चुके हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का जो एंड डेरिवेशन था दैट इज़ पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट इज इक्वल टू एन टू बाई एन वन प्लस एन टू, ठीक है। रोड्स लो डाइल्यूट सॉल्यूशंस पे एप्लीकेबल होता है, तो हम क्या करते हैं जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है उसको एन वन के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल मान लेते हैं, ठीक है। सो वी हैव पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट इज इक्वल टू एन टू बाई एन वन। अब इसका एक एप्लीकेशन क्या है वो हमें हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में डिस्कस करना है, ठीक है। हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक एप्लीकेशन है, क्या एप्लीकेशन है कि उस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूला से हम क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं, ठीक है। सो फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट वी विल यूज़ दिस फॉर्मूला फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब यहाँ से तुम्हें ये तो पता लग रहा है कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो किस पर डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड कर रही है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं कर रही। तो जो प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है और उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करती, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसके फॉर्मूला से पता लग रहा है कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो कैसी प्रॉपर्टी है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्यों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अब इसका एक एप्लीकेशन क्या है वो हम हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में डिस्कस भी करेंगे, दैट इज़ डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। इस फॉर्मूला से हम क्या निकाल लेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकाल लेंगे, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट इज इक्वल टू एन टू, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसके इक्वल आ जाएंगे, गिवन मास डब्ल्यू टू इज़ द गिवन मास ऑफ सॉल्यूट एंड एम टू इज़ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट into n1 is the number of moles of solvent that is equal to given mass of solvent divided by molecular mass of solvent। अब तुम्हें molecular mass of solute निकालना है, molecular mass of solute निकालने के लिए हम m2 को इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m2 is equal to w2 m1 divided by p0 minus पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट इन टू डब्ल्यू वन। नाउ दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो अगर तुम्हें न्यूमेरिकल में गिवन मास ऑफ सोल्यूट दे रखा है, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट दे रखा है और वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन दे रखा है, तो तुम वहाँ से मोलिकुलर मास निकाल लोगे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल लिखो, जिसके पास बुक है वो एग्जांपल थ्री निकाल लेंगे पेज नंबर 40 पे। आपके पास नहीं है बुक्स, आपके पास भी नहीं है, चलो आप इनके साथ बैठ जाओ, वैसे स्टेटमेंट तो बोलनी पड़ेगी, चलो स्टेटमेंट ही लिख लो। द वेपर प्रेशर ऑफ 2% एक्वस, द वेपर प्रेशर ऑफ 2% एक्वस सॉल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ 2% एक्वस सॉल्यूशन मेरी क्लास में कम स्ट्रेंथ क्यों हो जाती है बच्चों की, द वेपर प्रेशर ऑफ 2% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस x एट 373 केल्विन इज 755 टोर, टोर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। लिख लिया यहाँ तक या रिपीट करूँ, द वेपर प्रेशर ऑफ 2% एक्वस सॉल्यूशन
द वेपर प्रेशर ऑफ 2% एक्वस सोल्यूशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस एक्स एट 373 केल्विन इज 755 टोर फुल स्टॉप. कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 373 केल्विन इज 760 टोर कैसे करोगे न्यूमेरिकल? यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है. इसमें तुम्हें क्या दिया हुआ है? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दिया है न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में. प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना दिया है? 760. सॉल्यूशन का कितना दिया है? 755. ठीक है. अब 2% एक्वस सॉल्यूशन है, इसका मतलब सॉल्यूट का मास कितना दिया है? W2 कितना दिया है? 2 ग्राम. ठीक है. 2% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है ना. और ये फॉर्मूला हम किसके लिए ड्राइव करते हैं? रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. ठीक है. तो यही वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये तो कन्फर्म है. 2% एक्वस सॉल्यूशन है तो इसका मतलब क्या है? उसमें 2 ग्राम तो सॉल्यूट का मास है, बाकी 98 ग्राम किसका मास है? सॉल्वेंट का. सॉल्वेंट क्या है? वाटर है. ठीक है. तो वाटर का मोलिकुलर मास यानी M1 कितना है? 18 ग्राम पर मोल. हमें निकालना क्या है? M2. ये वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे और हमारे पास M2 की वैल्यू आ जाएगी. हो जाएगा. नेक्स्ट इज ओस्मोसिस. नहीं, इसका एक मेथड रहता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. एक्सपेरिमेंटल मेथड तुमने सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की करने हैं. ठीक है. तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को नोट करने के लिए एक्सपेरिमेंटली हम एक मेथड पढ़ेंगे विच इज़ नोन एज ओस्टवाल्ड एंड वॉल्कर मेथड. दैट इज़ ऑल्सो नोन एज डायनेमिक मेथड. ओस्टवाल्ड एंड वॉल्कर मेथड दैट इज़ ऑल्सो नोन एज डायनेमिक मेथड और ट्रांसपिरेशन मेथड. इसका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो कैसे होगा? इसमें हम एक थर्मोस्टैट लेते हैं. थर्मोस्टैट इज एन अपरेटस यूज टू मेंटेन द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. ठीक है. इसमें हम बल्ब्स बनाते हैं, 3 सॉल्यूशन के बल्ब बनाएंगे और 3 सॉल्वेंट के बनाएंगे. इसमें इनलेट आउटलेट बनानी है. यहाँ पे 3 बल्ब्स और बनाएंगे
ठीक है, तो ये जो फर्स्ट थ्री बल्ब्स होंगे ये सॉल्यूशन के लिए हैं, जो नेक्स्ट थ्री बल्ब्स होंगे ये सॉल्वेंट के लिए हैं, और ये जो नेक्स्ट थ्री बल्ब्स होंगे इसमें हम क्या रखेंगे, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड या फिर H2SO4 या फिर P2O5, इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। दिस ऑल विल एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। इनका काम क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। ये इनलेट आउटलेट बनानी है हमने, यहाँ से ही बनाई किस लिए, यहाँ से हम ड्राई एयर पास करेंगे। अब देखो इसको ध्यान से समझना, जब तुम इस पूरे सेटअप में से ड्राई एयर पास करोगे, जो ड्राई एयर है इस इनलेट के थ्रू इस सॉल्यूशन वाले बल्ब में जाएगी, ठीक है। इस पूरे सेटअप को हमने, ये जो सॉल्यूशन और सॉल्वेंट वाला सेटअप है, इसको हमने किस में रखा है, थर्मोस्टैट में रखा है। थर्मोस्टैट किस लिए रखा है, टू मेंटेन द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। क्योंकि क्या होगा, अगर हम इसको थर्मोस्टैट में नहीं रखेंगे तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट नहीं होगा, और टेम्परेचर कॉन्स्टेंट नहीं होगा तो सॉल्यूशन और सॉल्वेंट दोनों का वेपर प्रेशर वेरी करेगा, बिकॉज वेपर प्रेशर इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इट्सेल्फ, ठीक है। तो अब इस ड्राई एयर को पहले, उससे भी पहले, हमने ड्राई एयर पास करने से पहले हमने इन सारे बल्ब्स का वे कर लेना है। ड्राई एयर पास करने से पहले इन बल्ब्स का कितना वे था वो हम वेट कर लेंगे पहले, और फिर इनमें से ड्राई एयर पास करेंगे। जब तुम ड्राई एयर पहले सॉल्यूशन में से पास करोगे, तो सॉल्यूशन अभी इस तरह से है कि इसमें कुछ सॉल्यूशन है और ऊपर क्या है, वेपर्स हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन है और ऊपर क्या है, वेपर्स हैं। सब में ऐसे ही है, ठीक है। इसके ऊपर वेपर्स हैं, यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है और ऊपर क्या है, वेपर्स हैं। यहाँ पे वेपर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे तो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड ही रखा है, वो तो सॉलिड फॉर्म में ही है, उसके कोई वेपर्स नहीं है, ठीक है। तो जब तुमने इसमें से ड्राई एयर पास की, तो ड्राई एयर पहले सॉल्यूशन के बल्ब से जाएगी, तो सॉल्यूशन का जितना वेपर प्रेशर था, क्योंकि प्रेशर की टेंडेंसी क्या होती है कि वो हायर वेपर प्रेशर से लोअर वेपर प्रेशर में जाएगा। अब एयर तो ड्राई है, उसका कोई वेपर प्रेशर नहीं है, तो वो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर था वो अपनी तरफ एब्जॉर्ब करेगा, उसके वेपर्स को एब्जॉर्ब करेगा, और कितना एब्जॉर्ब करेगा, जितना सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर था, ठीक है। जैसे वो एक इस इनलेट के थ्रू इस सॉल्यूशन बल्ब में आया, इसने इस सॉल्यूशन बल्ब का सारा वेपर प्रेशर एब्जॉर्ब कर लिया, फिर वो नेक्स्ट में गया, उसका एब्जॉर्ब किया, फिर नेक्स्ट में गई ड्राई एयर, जो कि मोस्ट हो गई है, इससे पास होने के बाद वो क्या हो गई है, मोस्ट हो गई है, तो फिर वो इसमें जाएगी, यहाँ से भी एब्जॉर्ब करेगी वेपर प्रेशर, यहाँ से भी एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। तो वो अब ड्राई एयर क्या हो गई है, मोस्ट एयर हो गई है। तो जब वो इस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को एब्जॉर्ब करेगी, तो इस सॉल्यूशन के बल्ब का वेट क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर किसने एब्जॉर्ब कर लिया, ड्राई एयर ने। फिर ये जो मोस्ट एयर थी, जो सॉल्यूशन के बल्ब्स में से वेपर प्रेशर को एब्जॉर्ब कर चुकी है, अब वो किस में जाएगी, सॉल्वेंट के बल्ब्स में से जाएगी। हमें पता है कि प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से, क्योंकि सॉल्यूशन में तो क्या होता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी है, ठीक है। तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से थोड़ा ज़्यादा होगा। अब वो जितना ज़्यादा होगा, उतने वेपर प्रेशर को वो एयर क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, सारे को नहीं करेगी, क्योंकि कुछ तो उसने यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया। अब वो सॉल्वेंट से कितना वेपर प्रेशर लेगी, जितना उसका इससे ज़्यादा था, ठीक है, समझ में आ रही है बात। मान लो कि इसका 4 एटमोसफियर था, इसका 2 था, 2 तो वो इन तीनों का मिला के बोल रही हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो 2 तो उसने एब्जॉर्ब कर लिया है, अब बचा कितना, 2, तो वो कहाँ से एब्जॉर्ब करेगी, सॉल्वेंट के बल्ब से, तो सॉल्वेंट के बल्ब्स का वेट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। अब वो जो वो मोस्ट एयर फिर किस में से पास करेगी, कैल्शियम क्लोराइड के बल्ब्स में से पास करेगी, इनके बल्ब्स में से पास करेगी। अब ये क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो ये उस मोस्ट एयर के सारे प्रेशर को एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो कैल्शियम क्लोराइड के बल्ब्स का वेट क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 3 बल्ब्स यूज़ करते हैं, क्योंकि कई बार एक बल्ब से वो सारा मॉइस्चर वेपर प्रेशर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो इसलिए हम इसको 3 बल्ब्स में से पास करते हैं, और फिर इस ड्राई एयर को, सॉरी, फिर जो सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद वो जो मोस्ट एयर थी वो अब क्या हो गई है, ड्राई हो गई है, तो उसको हम आउटलेट के थ्रू निकाल देंगे। अब इससे हम नोट कैसे करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर,
ठीक है, तो वो हम कैसे नोट करेंगे? नंबर वन, लॉस हम मान लेते हैं कि लॉस इन वेट ऑफ सॉल्यूशन बल्ब्स किसके इक्वल है? W2 के, एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इस सॉल्यूशन बल्ब के वेट में कितना लॉस होगा, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के, ठीक है, मींस दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी एस, ठीक है, एंड वी नेम इट एज इक्वेशन वन, ठीक है, समझ में आया ये कैसे लिखा है? जितना सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा उतना ही तो वो ड्राई एयर को पास ऑन करेगा और उतना ही तो वेट लॉस होगा उसके बल्ब में, ठीक है. नाउ लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट बल्ब्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, ठीक है, मींस दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट माइनस पी एस. समझ में आया ये? क्योंकि अब इसके वेट में कितना लॉस होगा, जितना इनके वेपर प्रेशर में डिफरेंस था, 4 माइनस 2 किया था ना हमने, ठीक है, सो दैट इज पी नॉट माइनस पी एस. नाउ कंबाइनिंग 1 एंड 2 वी हैव वन ऑन टू को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम कर देते हैं W1, ठीक है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो W1 प्लस W2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जब इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, PS से तो PS कैंसिल हो जाएगा, दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है. नाउ W1 प्लस W2 डिफाइंस द लॉस इन वेट ऑफ सॉल्यूशन बल्ब्स एज वेल एज सॉल्वेंट बल्ब्स. तो जितना सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के बल्ब्स में के वेट में लॉस हुआ है उतना ही कैल्शियम क्लोराइड के बल्ब्स के वेट में गेन हुआ है, ठीक है. सो W1 प्लस W2, W3 डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, एंड W3 इज द गेन इन वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड बल्ब्स, ठीक है, एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट, ठीक है, समझ में आया. फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, हमने जो फॉर्मूला बनाना है वो हमने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की फॉर्म में बनाना है. रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट, ठीक है, तो पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट करना पड़ेगा, यानी 2 बाय क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 बाय 4 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट इज इक्वल टू W1 डिवाइडेड बाय W3, ठीक है. इसका मतलब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट बल्ब्स डिवाइडेड बाय गेन इन वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड बल्ब्स, ठीक है. तो नेक्स्ट इज ओस्मोसिस. क्या होती है ओस्मोसिस? जोर से बोलो. ये जो एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाले मेथड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन आता ही है सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से इंपॉर्टेंट है. तो ऑस्मोसिस क्या होता है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि हम किशमिश होती है ना रेजिन्स, उनको जब हम पानी में भिगो देते हैं तो अगले दिन हम देखते हैं कि वो सोक करते हैं जब उनको पानी में कुछ घंटों के लिए, तो वो फूल जाती हैं. वो फूलती क्यों हैं? क्योंकि जो पानी है वो बाहर से उनके अंदर एंटर होता है, ठीक है. अब जैसे हम पिकल का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, पिकल को जब हम सॉल्ट वाटर में मतलब नमक वाले तेल में उसको डिप करके रखते हैं तो वो श्रिंक हो जाते हैं,
ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है जब हम रेजिन्स को पानी में रख रहे हैं, तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर क्या है, लो कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है। रेजिन्स में तो अंदर तो सोल्यूट पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं रेजिन्स के बाहर एक मैम्ब्रेन बनी हुई है, उस मैम्ब्रेन के थ्रू ये सॉल्वेंट पार्टिकल्स लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में एंटर कर रहे हैं, ठीक है, थ्रू दैट मैम्ब्रेन। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, ओस्मोसिस, ठीक है। तो इसमें ना सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की ही एंट्री होती है, सोल्यूट मॉलिक्यूल्स की एंट्री नहीं होती, ठीक है। सो द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन साइड टू हायर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन साइड थ्रू अ सेमी परमिएबल मैम्ब्रेन इज नोन एज ओस्मोसिस। सेमी परमिएबल मैम्ब्रेन एक ऐसी मैम्ब्रेन होती है जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को ही अलो करती है, सोल्यूट मॉलिक्यूल्स को पास नहीं होने देती, वो उसके पोर्स के साइज के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। जो सेमी परमिएबल मैम्ब्रेन होती है वो एनिमल्स के ब्लेडर की बनती है, पिग्स ब्लेडर की बनती है, ठीक है, कॉपर कोबाल्ट निकल की बनती है, ठीक है। तो अलग अलग केमिकल से भी बना सकते हैं और एनिमल ब्लेडर से भी बना सकते हैं, एनिमल्स की स्किन से भी बना सकते हैं सेमी परमिएबल मैम्ब्रेन, ठीक है। जैसे हम एक बीकर लेते हैं, अगर हम उस बीकर में एक थीसल फनल लें जिसमें हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बना के रख दिया, इसमें क्या है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और इसमें क्या है वाटर, बाहर बीकर में क्या रखा है वाटर रखा है, तो कंसंट्रेशन कहाँ कम है, बाहर है या अंदर है, बाहर सिर्फ वाटर रखा है और अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, तो कंसंट्रेशन तो बाहर कम है ना सॉल्यूट की, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर से अंदर की तरफ फ्लो करेंगे, क्योंकि ये जो है ये जिस फनल में रखी है ये एक सेमी परमिएबल मैम्ब्रेन बनी हुई है इसके आउटर सरफेस पे, तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की टेंडेंसी है कि वो सेमी परमिएबल मैम्ब्रेन के थ्रू फ्रॉम लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से हायर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन में एंटर करेंगे, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम ओस्मोसिस। अब जब ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर से अंदर की तरफ एंटर करेंगे तो इस फनल में सॉल्यूशन का लेवल राइज होगा, ठीक है, इस फनल में सॉल्यूशन का लेवल राइज हो जाएगा बाय हाइट h, ठीक है। अब ये हाइट की h की वजह से एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होगा। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का क्या मतलब है, जो लिक्विड इटसेल्फ की वजह से प्रेशर डेवलप होता है। अब ये जब सॉल्यूशन का लेवल राइज होगा तो एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होगा फनल में, उसकी टेंडेंसी क्या होगी कि वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की फर्दर एंट्री को रोके, ठीक है, कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के इनफ्लो को रोके, ठीक है। एक टाइम पे इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएंगी, उस इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होगा, जितने सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स बाहर से अंदर जा रहे थे उतने मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अंदर से बाहर आने लग जाएंगे, ठीक है। तो नेट फ्लो क्या हो जाएगा, ज़ीरो ही हो गया, क्योंकि जितने बाहर से अंदर उतने अंदर से बाहर। तो उस इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की एंट्री को रोक रहा है फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूट साइड टू हाई सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन साइड, उस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को, उस इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को हम क्या बोल देते हैं, ओस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ठीक है। एंड दैट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, दैट इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज इक्वल टू एच डी जी, वेर एच इज द हाइट ऑफ द लिक्विड, ठीक है। जितनी ज़्यादा इस लिक्विड की हाइट होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा। d इज़ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड g इज़ द ग्रेविटी, 9.8 मीटर पर सेकेंड, ये तो कांस्टेंट ही है, ठीक है। अब इस ओस्मोटिक प्रेशर को इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की फॉर्म में तो समझ ही सकते हैं हम, इसको एक दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं। जैसे कि हमने दो बीकर जोड़े साथ साथ में, ये बीकर जो कनेक्टेड हैं ये किससे कनेक्टेड हैं, सेमी परमिएबल मैम्ब्रेन से कनेक्टेड है, क्योंकि सेमी परमिएबल मैम्ब्रेन के बिना तो ओस्मोसिस की बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की एंट्री है वो किससे होती है, सेमी परमिएबल मैम्ब्रेन के थ्रू ही होती है। यहाँ पे हमने किसको रखा, वाटर को, और यहाँ पे हमने रखा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन,
अब तुम्हें ओस्मोटिक प्रेशर को मेज़र करना हो, वैसे तो हम ओस्मोटिक बस ये लास्ट है इसके बाद वाइंड अप कर देंगे, वैसे तो हम ओस्मोटिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए आगे एक्सपेरिमेंटल मेथड पढ़ेंगे, बर्कले एंड हार्टले मेथड, लेकिन इन जनरल टर्म्स अगर हमें ओस्मोटिक प्रेशर को समझाना हो और इन जनरल हम बोलें कि हमें ओस्मोटिक प्रेशर को मेज़र करना है तो कैसे करेंगे? अब यहाँ पे वाटर रखा है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रखा है, तो वाटर के पार्टिकल्स की टेंडेंसी क्या होगी कि वो इस सेमी परमिएबल मैम्ब्रेन के थ्रू इस तरफ जाएंगे, ठीक है। अब अगर हमें उन सॉल्वेंट पार्टिकल्स की एंट्री को रोकना है कि वो यहाँ से यहाँ ना जाएं, तो हमें यहाँ पे एक मिनिमम एक्सेस प्रेशर लगाना पड़ेगा, ठीक है। दैट मिनिमम एक्सेस प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू सेमी परमिएबल मैम्ब्रेन इज नोन एज ओस्मोटिक प्रेशर। बट वो एक्सेस प्रेशर इतना ही होना चाहिए कि फिर जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है उसकी सिर्फ एंट्री को रोके, क्योंकि अगर तुम उससे ज़्यादा लगा दोगे प्रेशर तो उल्टा होने लग जाएगा। उससे ज़्यादा प्रेशर लगा दोगे ना, उस मिनिमम एक्सेस प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगा दोगे तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स सॉल्यूशन से सॉल्वेंट साइड जाने लग जाएंगे, और उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं फिर, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। ओस्मोटिक प्रेशर सबको क्लियर है, द मिनिमम एक्सेस प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू द सॉल्यूशन साइड थ्रू सेमी परमिएबल मैम्ब्रेन इज नोन एज ओस्मोटिक प्रेशर। और अगर प्रेशर ओस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा लगा दिया तो उल्टा होने लग जाएगा, सॉल्वेंट पार्टिकल सॉल्यूशन साइड से सॉल्वेंट साइड जाने लग जाएंगे, यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन साइड जाने लग जाएंगे, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। जैसे कि सी वाटर होता है, सी वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, अब उसमें इम्प्योरिटीज़ भी होते हैं, आयंस भी होते हैं, और भी बहुत कुछ होता है। अगर हम उस पर रिवर्स ऑस्मोसिस वाली प्रोसेस लगाएं तो उससे हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स यानी प्योर ड्रिंकिंग वाटर को सेपरेट कर सकते हैं और इम्प्योरिटीज़ वहाँ की वहाँ रह जाएँ। तो रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू हम सी वाटर से ड्रिंकिंग वाटर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक छोटी सी टर्म्स और हैं वो देख लीजिए, जैसे एक आइसोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जिनका ओस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, उनको क्या बोल देते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो मीन्स सेम, ठीक है, टोनिक मीन्स उनका ओस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। अब अगर दो सॉल्यूशन हैं जिनकी कॉन्सेंट्रेशन भी सेम रख दी तुमने, टेम्परेचर भी सेम रख दिया, ठीक है, लेकिन दोनों का ओस्मोटिक प्रेशर अलग अलग है, तो जिस सॉल्यूशन का ओस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और जिसका कम होगा उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक था और एक हाइपोटोनिक ही है ना, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। तो एक आइसोटोनिक होता है जिसमें ओस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, एक हाइपरटोनिक होता है जिसमें ओस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, और एक हाइपोटोनिक होता है जिसमें ओस्मोटिक प्रेशर कम होता है, ठीक है। तो यहाँ तक पढ़ना आपने, कल हम ओस्मोटिक प्रेशर के लिए एक एक्सपेरिमेंटल मेथड कराएंगे, बर्कले एंड हार्टलेज मेथड। जाओ।